मड़िया की सड़क हादसे में एक और ने तोड़ा दम। पुनाना होडल रोड पर मड़िया की गांव के पास हुए सड़क हादसे में घायल ने रविवार को दम तोड़ दिया। अब मरने वालों की संख्या 9 हो गई है, जबकि 2 बच्चों का शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने चालक अदालत में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया है। जांच अधिकारी जोगिंदर सिंह ने बताया कि शुक्रवार को बिछोर थाने के गांव मड़ियाकी के नज़दीक सवारियों से भरे 3-व्हीलर को वाहन ने टक्कर मार दी थी। सद्दाम पुत्र अकबर 25 वर्षीय निवासी नीम का पुनाना की रविवार को मौत हो गई। अभी भी 5 वर्षीय अनस निवासी गोधौला और आस्था पुत्री सतबीर निवासी बंचारी का इलाज चल रहा है। जांच अधिकारी ने बताया कि ट्राला चालक साकिर पुत्र आमीन 28 वर्ष निवासी नंगला एहसानपुर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं फूट फूट कर रोए परिजन। 2 दिन बाद मिले शव को देखकर परिजन फूट फूट कर रोए। भाजपा नेता शिव कुमार आर्य बंटी ने कहा है कि उनकी आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री से सामने बात रखी जाएगी। जजपा नेता आजाद मोहम्मद ने कहा है कि परिजनों के पालन पोषण के लिए आर्थिक मदद का ऐलान हरियाणा सरकार को करना चाहिए। जजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी अमन अहमद ने कहा है कि परिवारों के साथ हमारी पार्टी खड़ी है और इन परिवारों की आर्थिक मदद के लिए उप मुख्यमंत्री से बात करूंगा। नुह विधायक चौधरी आफ्ताब अहमद ने कहा है कि इनके परिवारों की आर्थिक मदद के लिए सरकार और नुह जिला प्रशासन को लिखा जाएगा पत्र। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक DTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मरने वालों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाएँ और परिवार को सब्र अता फरमाएँ।